सम चतुर्भुज, क्या सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। अब देखिए ये ऐसे, इसका सम चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, अपने नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, लिख लिया। इसमें देखो एक ही भुजा देगा अगला, उसकी भुजा 5.2 है, तो ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, ये भी 5.2 है, ये भी 5.2 है, क्योंकि सम चतुर्भुज हो गया ना। एक भुजा देते ही सारी भुजा आ गई, एक भुजा का नाम लेते ही सारी भुजा आ गई ना। अब वो कहता है उसका एक कोण 75 डिग्री है, जिसमें से कोण ये 75 डिग्री कर देता हूं मैं, कर दिया, कोई भी कर लो, नाम लेके नहीं बताया उसने, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, कोई भी कर लो, ठीक है, हो गया। अब अपने कोई सम चतुर्भुज बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा ए बी, भुजा ए बी हम स्केल की सहायता से कितनी 5.2 खींचते हैं, 5 पॉइंट है, मान लीजिए 5.2 है, ठीक है, 5 पॉइंट है, हो गई, ये ए है, ये कितने डिग्री का कोण है, 75 का कोण प्रकार से बनता है, देखो मैं बताऊं, गौर रखना, ये हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 120, हो गया, उसके बाद बढ़ाओ 60 और 20, 120 के बीच में 90 है, बढ़ा दिया, 90 में छोटा सा निशान लगा लो, यहां लगा लो और यहां लगा लो, और 90 और 60 के बीच में 30 बच गए ना, उसका आधा करो, 60 पे फिर रखो ऐसे चाप लगाओ, 90 वाले पे ऐसे रखो चाप लगाओ, लगा दिया, ये 75 का बन गया, कितने का बन गया, कितने बन गया, इसको मिला दो, मिला दिया, तो ये 75 डिग्री। अब आपको आगे कोण बनाने की जरूरत नहीं है, कितने सेमी थी भुजा 5.2, इस पे रख के खोल लो, ठीक है ना, खोल के यहां चाप लगा दो, यहां चाप लगा दो, फिर ऐसे करके चाप लगा दो, जहां चाप मिलता है वहां मिला दो, ये हो गई सी और ये हो गई। इस प्रकार हमारा अभिष्ट सम चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया, बन करके तैयार, कर सकते हो, हैं?